अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर होस्ट फरहान परवेज, दिस इज आपका भाई राहिल शहजाद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है गल्फ प्राइड प्रेजेंट्स धोनी एक्स धोनी। धोनी एक्स धोनी बाय पाकिस्तान रिएक्शन, वो तो ऐसे ही लिखा हुआ है। धोनी एक्स धोनी ये क्या है, ये देख के पता चलेगा ये क्या है। जरा धोनी एक्स धोनी गल्फ प्राइड प्रेजेंट, इनका कोई ब्रांड है ना ये गल्फ प्राइड? नहीं पता, पता ही नहीं हमको। देखेंगे तो पता चलेगा, देखूंगा हाँ, तो मैं बता सकूंगा कि ये है क्या वैसे। ये है क्या? हाँ, अगर हमने क्योंकि हम रिएक्शन, क्योंकि मुझे इंडियन ब्रांड्स का कुछ पता है, दो चार नाम पता है बड़े बड़े, लेकिन ये शायद नहीं, मैंने बाय फेस जानता हूं मैं, एड्स वगैरह में नाम सुना है मैंने। स्टार्ट करो फिर देखते हैं। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर और उसके साथ साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पता ना है तो। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। चलो, अबे ये वाला पता लोगो है ना, ये लोगो ये मेरे ख्याल से ऑयल रिफाइनिंग का है। फ्रॉम 2000 धोनी एक्स डबल धोनी, ये पुराना धोनी। हां पुराना धोनी नया धोनी, क्या बात है। धोनी मल्टी पहले ही साल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अच्छा कर रहे हो। थैंक यू सर, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट 183 रन्स, 50 ओवर की कीपिंग के बाद 46 ओवर की बैटिंग, इट्स नॉट इजी। 183 आपको तो पता ही है, विकेट बहुत फ्लैट था एंड एमएचएल कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, नो कंडीशंस अलग अलग होंगे तो फिर फायदा होगा। यार वो तो है, एटीट्यूड उस तरीके का होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ हर मैच में मैं कंट्रीब्यूट करूँ। एंड द की इज कितने आप वेल प्रिपेयर्ड हो, किस तरीके से आपने प्लान किया है, आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करोगे डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन। सर कोशिश तो कर रहा हूँ एंड भी क्या, जितने ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तो उतना एक्सपोजर ज़्यादा होता है, आप धीरे धीरे सीखते हैं, सीनियर प्लेयर साइड में तो वो बहुत हेल्प करते हैं, तो लेग्स कोशिश कर रहा हूँ। पूरा नेचुरल बनाया, पहले रिलैक्स हो जाओ। थैंक यू सर। देखो एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, बट नए चैलेंजेस भी आएंगे सामने। जितना ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलोगे, ऑपोजिशन उतना अच्छा से प्रिपेयर करेगी कि मुझे तुम्हारे अगेंस्ट यू नो किस तरीके की प्लानिंग करनी है, किस तरीके का प्लान बना के एग्जीक्यूट करना है। आपको खुद को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है एंड आज आप 3 नंबर बैटिंग कर रहे हो, कल को आप लोअर ऑर्डर में अगर बैटिंग करोगे तो रिक्वायरमेंट्स आर वेरी डिफरेंट। उसके लिए मेंटली रेडी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ में प्रैक्टिस करते रहना कि उस सिचुएशन में अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं किस तरीके से बैटिंग करूँगा। यू हैव टू बी अहेड ऑफ द गेम, एट द सेम टाइम यू हैव टू एन्जॉय द गेम। और जितने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रूव करने की। सो जो भी टीम की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रायोरिटी होगी। क्या सोच रहे हो सर, आपने इतने सारे ओडीआईस खेले हैं, टेस्ट मैच खेले हैं, आपका फेवरेट इनिंग्स कौन सा है, जो आपको लगता है कि आपकी बेस्ट इनिंग्स है अभी तक? वर्ल्ड कप फाइनल्स, उस मैच को फिनिश करने का मजा ही कुछ और था। वर्ल्ड कप फाइनल 2011 वांखेड़े स्टेडियम, सर हम फाइनल मतलब वर्ल्ड कप जीत गए, हम तुम्हारी मेहनत के कारण ही वो इनिंग्स पॉसिबल हो पाई। ये पास है वो फीचर, हम जीत गए। वो जो तुम्हारे फेवरेट्स है ना, बटर चिकन, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शेक, धीरे धीरे इनको भी छोड़ देना। सर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के चक्कर में तो आपने सारी अपनी फेवरेट चीजें छोड़ दी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाइकिंग कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो सर थैंक गॉड, 80 बाइक्स हैं, सारी की सारी तुम्हारी फेवरेट, और हमारी पहली बाइक भी है। सर वो सजा के रखी है या चलती भी है? नहीं है। चलती नहीं है, दौड़ती है। पहली बाइक है, स्पेशल ख्याल रखता हूँ, इसमें सिर्फ गल्फ प्राइड ऑयल ही डालता हूँ। क्या बात है, इंजन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ पिकअप को भी बरकरार रखता है सालों साल। बोल लो ये ऑयलिंग रिफेंडी गन का है ये। तो लास्ट कब गया था बाइक राइड पे?
बाइकिंग उसने बताया कि नहीं बाइकिंग का शौक रखा हुआ है मैंने और 80 बाइक्स धोनी तो यार बेस्ट है यार धोनी को बाइकिंग का शौक है अब पता चला है मुझे खुद अभी 80 बाइक्स हैं बता रहे हैं और वो सारी तुम्हारी पसंद की यानी उसकी पसंद की जो मतलब मेरी पसंद की सारी बाइक्स हैं और अभी तक वो वाली बाइक भी है जो पहली बाइक के वो पूछता है कि क्या कहते हैं वो अभी शोपीस करके रख दी है अभी वो चलती है बोलता है दौड़ती है फिर आता है गर्लफ्रेंड अच्छा था एड यार मतलब ये एक सेंस बनाया था सेंस बना के एक ऐड बनाया था पूरा एक अबे ऐड तो था इतना ठंडा ऐड था बिल्कुल जैसा धोनी है ना एकदम मिस्टर कूल का इसका नाम है तो ये इन्होंने वैसे ही बिल्कुल ठंडा मिजाज और आराम से सब तामुल से बहुत जबरदस्त मजा आया यार मुझे वो अच्छा लगा वो जो एक्स धोनी था वो कितना ना नर्वस था और बिल्कुल रियल उसने दिखाया कि वो वो हो रहा है और आगे होके बैठा हुआ है एज अ सीनियर एक प्लेयर मेरे सामने बैठा है बहुत बड़ा पीछे टेक नहीं लगा के बैठा हुआ आगे होके बैठा हुआ है और हाथ न्यू और नर्वस वो हाथ पांव हिल रहे उसके पैर हिल रहे हैं तो बोलते हैं रिलैक्स हो जाओ आराम से बैठो कांसेप्ट अच्छा था कांसेप्ट तो भाई इंडिया के एड्स में कांसेप्ट इंडिया के एड एंड लेवल के एड्स होते हैं अच्छे होते हैं अच्छे मुझे बहुत अच्छे मुझे बहुत पसंद आते हैं मुझे आई डिडंट एक्सपेक्ट ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी मुझे दिस वीडियो टू बी दिस गुड लेकिन बहुत अच्छी थी गाइज ये नीचे जो वीडियोस आ रही हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं इनको भी ज़रूर देखिएगा इसको प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन वीडियोस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें हमें फेसबुक पेज पे उसका लिंक और टाइटल ज़रूर प्रोवाइड करें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।